नमस्कार, साहित्य भारती YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी मेहमान है सुनैना काचरू जी। सुनैना, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया तनुजा, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सुनैना जी, आप कश्मीर से हैं, आपने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया है और पुणे से आपका विशेष लगाव है क्योंकि आपकी पढ़ाई पुणे में हुई और अपनी शादी भी मराठी मुलगा हेरंब भिड़े से की। शादी के बाद आप US में सेटल हो गई, अच्छी खासी नौकरी थी, बहुत खुशहाल गृहस्थी थी, प्यारा सा बच्चा है आपको, लेकिन अचानक से आपकी ज़िंदगी में कविता का एहसास हुआ। ये खूबसूरत मोड़ आपकी ज़िंदगी में कैसे आया? कविताओं का एहसास आपको नहीं होता, कविता का जब मन करे वो किसी को छू जाती है। तो मैं खुद को एक बहुत ही लकी और मुझे लगता है मैं खुशकिस्मत हूँ कि कविता ने मुझे चुना और वो साथ रहे, मेरी यही ही एक तमन्ना है। पर ये था कि हमारे घर में मेरे पापा, उन्होंने एक जो एक माहौल बनाया था, एक हमारे जो संस्कार थे वो लिटरेचर को रिलेटेड ही थे। आप जम्मू में रहती थी तब? कश्मीर में मेरी पैदाइश हुई है, मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीर में पैदाइश है। और घर में जैसे लोग सुबह उठ के भजन सुनते हैं या भजन करते हैं, हमारे यहाँ गज़लें और गीत वही होता था। तो रेडियो कश्मीर में जो चल रहा था, राज बेगम उनके गीत होते थे, शमीम देव उनके गीत होते थे। यानी अभी आपने जो कहा कि घर में कविता के संस्कार, शायरी के संस्कार आप पे हुए, तो दिल के किसी कोने में तो ये कविता का एहसास तो पनपता रहा होगा ही। जी, तो इसका प्रकटन शायद बाद में हुआ होगा। जी, पहले अंग्रेजी में लिखना शुरू किया तो कविता ने, यानी हिंदी कविता ने आपको कब ढूंढा? मैं जब माँ बनी 2010 में, तो उसके बाद मैंने जब वापस काम करना उसकी शुरुआत हुई 2-3 महीने बाद जब मैं वापस काम पे गई, तो एक दिन मैं एक पार्किंग लॉट में मेरी गाड़ी में थी, हम लोग खाना पिक कर रहे थे, तो बस उस दिन उस मोमेंट पे मैंने वापस लिखना शुरू किया हिंदी में। जी, हुए जी। आपको याद है वो कविता? हम सुनना चाहेंगे यानी। तुम आँखों में काजल लगाया ना करो और फिर देख कर मुझको आजमाया ना करो, मुकम्मल तस्वीर पर लकीरें बनाया ना करो। अरे क्या बात है। दुनिया को रिझाने जाया ना करो, तुम आंखों में काजल लगाया ना करो। अब उसकी थोड़ी और पंक्तियां पढ़ लेती हूँ कि कितनी अनकही कह देती है तेरी आंखें, आप खुद आंखों से बोलती है। कितनी अनकही कह देती है तेरी आंखें, बस मेरी आंखों से देखे कोई तेरी आंखें। क्या बात है। कथई भूरी रोशन सुनहरी आंखें। अरे वाह। कथई भूरी रोशन सुनहरी आंखें, रोज आईने को फलक दिखाया ना करो। क्या बात है। तुम आंखों में काजल लगाया ना करो। बहुत आखिरी की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी। इरशाद। लोग कहते हैं कहने दो उनको, कहने दो, शीशे के घरों में रहते हैं उनको रहने दो। लोग कहते हैं कहने दो उनको, कहने दो, शीशे के घरों में रहते हैं उनको रहने दो, रहने दो, मासूम हो तुम रहने दो। क्या बात। रहने दो मासूम हो तुम रहने दो, हर बात को दिल पे लगाया ना करो, तुम आंखों में काजल लगाया ना करो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, थैंक यू। तो ये आप कविता लिखती गई जी, हिंदी में कविता लिखती गई जी, और होते होते लिखते लिखते अचानक इतनी सारी कविताएं हो गई कि आपके मन ने लिया कि इसकी किताब बनाई जाए जी। उसके प्रकाशन के पीछे भी एक बहुत दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है और वो हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। जी ज़रूर। मुझे तो मेरे माँ बाप ने जन्म दिया है, पर मेरा जो ड्रीम है या जो मैं कर रही हूँ, इसका जन्म मेरे ससुराल में ही हुआ है। तो मेरे सबसे बड़े सपोर्टर जैसे मेरी मदर इन लॉ हैं या मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने मुझे बहुत, कभी कभी मुझे बहुत पूछ भी करते हैं कि तुम में है काबिलियत, चलती जाओ। अरे वाह। तो ये जो कविताओं की किताब बनाना, उसका जो एक पूरा, उसका जो उसके पीछे जो ख्याल था, उसके पीछे जो पूरा प्लानिंग था, वो सब मेरे हस्बैंड का ही था। उन्होंने कहा कि इसको ज़ाया मत होने दो। तो उसका जो एक प्रोसेस था, उसका एक जो सफ़र था कि किस कविता के साथ कौन सी तस्वीर जाएगी, जैसे कि एक मेरी कविता है जो हार्मनी पे, रिलीजियस हार्मनी पे, तो हमने थोड़ा उस पर रिसर्च किया कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर रिलीजन में है। तो वो बहुत ढूंढने के बाद हमें समझ आया कि जाप माला हर रिलीजन में है, तो हमने उसे डाला। या फिर उसमें एक मेरी कविता अंदर की आवाज़ है, तो उसमें मैंने एक नींबू का
फोटोग्राफ डाला है कि अंदर की आवाज़ मे नॉट बी ऑलवेज स्वीट. या फिर हमने एल्कोहलिज्म पे मेरी एक कविता है, तो उसमें एक ये है, एक स्पाइडर है वो एक जाल में फंसा, उसे पता नहीं वो फंसा. तो वजह से इसीलिए मैंने कहा कि कविता आगे चलती रही, मैं बस उसके हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की जरूरत नहीं. बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया. और इस मुझे बताओ कि इस किताब को बहुत सारे लोगों ने सराहा भी. जी जी, तो वो भी बताइए. वही जैसे मैंने कहा कि जब हमने उसका प्रकाशन हुआ और तब उसकी जो पहली हमने जो पहली उसका जो प्रिंट था वो तो फटाफट दो चार दिन में, एक्चुअली पहले हफ्ते में ही वो ख़त्म भी हो गया. पर इससे पहले मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हमने कुछ कविताएं मैंने इसमें रिसाइट भी की हैं, तो उसकी सीडी भी है इसमें. और इसमें दो गीत हैं जो एक ऋषिकेश रानाडे ने गाया है तेरा हाथ, और एक जसराज जोशी ने गाया है. उसमें एक्चुअली नज्म को, मेरी नज्म थी उसको उन्होंने एक पूरा रॉक फॉर्म में गाया है, बहुत अच्छा. जी जसराज जोशी, और उसका संगीत जसराज और ऋषिकेश और सौरभ जो अभी बहुत ही ऊंचाई पर है और उनको आगे और ऊंचाइयां मिलती रहें, उन्होंने उसका संगीत किया है. तो जब वो किताब कोई खरीदेगा तो ये साथ में आ जाता है. तो कविता की बात चली तो मेरी एक कविता है जिसके साथ मेरी कुछ अच्छी यादें जुड़ी हैं, क्योंकि हुआ ये कि मैं बॉम्बे में थी कुछ साल पहले, और वहाँ पे हमारी मुलाकात एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं मयूरेश जी, उनसे हुई. तो उनके द्वारा मुझे एक बहुत सुनहरा मौका, एक अनएक्सपेक्टेड था कि लता दीदी को कुछ कविताएं सुनाने का मौका मिला फ़ोन पर. तो वो कविता मेरी जो उसमें एक उन्हें सुनाई थी बेटी. तो जब ये निर्भया का जो हुआ था तब कुछ लिखा था मैंने, तो वो सुनाना चाहूँगी कि एक जो हमारे यहाँ पे एक ड्यूअलिटी है, एक हिपोक्रेसी है कि बेटी को कैसे ट्रीट किया जाता है पर देवियों को कैसे पूजा जाता है, उस पर मेरा एक स्टेटमेंट है कि लक्ष्मी से धन मांगे पर संपत्ति लक्ष्मी को मिलती नहीं. लक्ष्मी से धन मांगे पर संपत्ति लक्ष्मी को मिलती नहीं, सरस्वती दे वरदान विद्या का, घर की सरस्वती लिखती नहीं. सरस्वती दे वरदान विद्या का, घर की सरस्वती लिखती नहीं. दुर्गा देगी कैसे शक्ति जब अपनी ही रक्षा कर सकती नहीं. श्याम कितने भी हो काले सांवली राधा बिकती नहीं. कितने भी विद्वान हो गिरिधर द्रौपदी तो बचती नहीं. हो अगर जन्मी सिया घर धूमधाम क्यों दिखती नहीं. हो अगर जन्मी सिया घर धूमधाम क्यों दिखती नहीं. काली को पूजने वाले साली कह के नोचते हैं. तो फिर कोख में मुझे मारने वाले क्या बुरे हैं, हम सोचते हैं. बेटी बहुत ही भावुक करने वाली कविता है, और सच्चाई भी बहुत यानी कड़वा सच है ये जो आपने अपने लिखा है. तो चलो फिर से हम थोड़ी सी हैप्पी मोमेंट पे जाते हैं. लता दीदी को आपने कविता सुनाई जी, उसके बाद गुलजार जी से भी आपका परिचय हुआ जी. तो अक्सर ये होता है कि मैं गुलजार साहब के पास जाती हूँ, मैं किताबें उनकी जो किताबें हैं उनका ऑटोग्राफ लेके जाती हूँ, क्योंकि मैं US में रहती हूँ तो वहाँ पे गुलजार साहब के चाहने वाले तो हर जगह हैं. तो कभी कभी दोस्तों के लिए किताबें उनकी ऑटोग्राफ करके ले जाती हूँ. पर इस बार ऐसा हुआ कि पिछली बार मैं उनके जन्मदिन के आगे पीछे उनसे मिलने की कोशिश करती हूँ, तो इस बार मेरे पास एक किताब थी जो उन्होंने मुझे पूछा कि मेरे हाथ में ही थी, तो उन्होंने पूछा ये कौन सी किताब है. और वो कश्मीर की जो बहुत अच्छी दो कवित्रियाँ हैं, पोइट्रेसेस हैं, उनका कंपैरिजन था उसमें, अर्निमाल और हब्बा खातून, उनकी कंपैरिजन थी उसमें. और उसमें कश्मीरी भी था और हिंदी इंग्लिश सब था. तो उन्होंने कहा कि मुझे ये चाहिए, हाँ मुझे ये बुक चाहिए. तो एक्चुअली क्या था कि वो किताब आउट ऑफ पब्लिकेशन, पर गुलजार साहब मांग रहे हैं तो हम ना तो कर ही नहीं सकते. तो मैंने उन्हें कहा कि आप रख लीजिए और मुझे अगले साल दे दीजिए. तो उन्होंने कहा मैं नहीं नहीं ये सौदा मैं नहीं करूँगा, ये किताब मुझे देनी है तो दो, प्रॉपरली दो. तो आप तो फिक्स में पड़ गई होंगी, क्या करें. सोचा अभी ठीक है, पर फिर उन्होंने कहा किताब के बदले किताब ले लो.
तो उनकी किताब पे, वो किताब पे मैंने ऑटोग्राफ किया और मेरी किताब पे उन्होंने ऑटोग्राफ ये तो किया। बहुत अच्छा हुआ कि आपने ऑटोग्राफ करके हाँ, नहीं उन्होंने उन्हों लिया और लिखा कि वो लिखो इस पे कि मैंने जबरदस्ती ली है। आपने अभी कश्मीरी कवियत्रियों का जिक्र किया, जी एक कश्मीरी और भी कवित्री बहुत ही मशहूर है, जी ललदेन, तो जी आपको उनसे बहुत लगाव है, जी जी तो उनके बारे में बताएंगे? जी मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी शायद कश्मीरी नहीं होगा जिनको ललदेद ना पता हो, सबको पता है। इनफैक्ट वो इतने, इनको 300-400 साल हुए होंगे गए हुए, लेकिन आज भी उनकी जो कही हुई बातें हैं वो सब एकदम रोज़मर्रा की चीज़ों में हम लोग कहते हैं। जैसे आप, आई थिंक महीना भाई महाराष्ट्र बहना मराठी भाई में का हम है। कहते हैं कि कि उन्होंने खाना पकाते पकाते भी कविताएं, अरे क्योंकि वो संसारस। कविता हाँ लिख नहीं रही थी, वो कह रही थी। वो हमने कहा, उनको बताया कि आप जो कह रही हैं कविताएं हैं। हाँ अगर मैंने कुछ भी नहीं किया मेरे जीवन में, पर अगर एक भी ललित का कोट मैं आगे अगली जनरेशन तक ले गई, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी। आप ललधन को भी आगे लेना जाना चाहती है, जी सभी भाषा तक पहुंचाना चाहती जी है, वैसे ही आप विभिन्न भाषाओं की जो कविता है उनको भी जोड़ना चाहती है, जी जी तो ये आपके प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। देखिए क्या होता है कि मैं मराठी तो नहीं हूँ जन्म से, लेकिन अभी जैसे कि मैंने, आपने बताया कि मेरी पढ़ाई यहाँ हुई है, मेरे दोस्त सब मराठी हैं और मेरे हस्बैंड भी मराठी हैं, तो मुझे बहुत लगाव है, मुझे बहुत रिचनेस लगती है मराठी लिटरेचर में। और उसमें जैसे ग्रेस, मुझे जब ग्रेस कौन है पता नहीं, तब उनके गीत पता थे जो फिल्मों में उन्होंने लिखे लिखे थे। हैं, हृदयनाथ जी के कंपोजिशंस हैं जो, तो मुझे उनकी जैसे अति आई होती मंडवी घन व्याकुल मिहि रट लो, या फिर उसी तरह का मुझे लाइक लोग मुझ तुझे सब सब है पता है ना माँ, एक छोटी सी लाइन है लेकिन उसमें सब कुछ है, उसमें यूनिवर्स उसी लाइन में है। तो आपने एक बहुत ही अच्छा उसका कंपैरिजन किया था कि गुलजार जी से कुसुमाग्रज को पढ़ना, यानी एक महासागर। हर शायर बहता रहता है, तो मैं उनको बहाव ही दूंगी, भाव का ही ये कहूंगी कि दो नदियां थी जो कहीं आके एक मोड़ पे मिली और फिर अपने अपने रास्ते चली गई, तो उस मोड़ की वो कविता है। तो एक सागर दोनों, या दो सागर समझ लीजिए। तो अब आगे क्या करना चाहती हो, जी यानी आपकी किताब भी छप गई, कविता तो आपके साथ है ही, कविता ने आपको ढूंढ लिया है, उसका सहारा लेके पल्लू को पकड़ के आप आगे आगे चल रही हो, जी लेकिन और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप कर रही हो, उनके जी बारे में बताइए। जी तो एक फिल्मों का एक मेरा काम चल रहा है, पर साथ में और भी मैंने कुछ गाने, एक हमारी सिंगर हैं बहुत, वो पॉपुलर सिंगर हैं, बहुत अच्छी सिंगर हैं, अनुराधा पालाकुर्ती, उनके साथ मैंने कुछ काम किया है। उसमें से एक गाना एकल विद्यालय जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जी जी तो उसका थीम सॉन्ग है वो, तो वो जो HR मिनिस्टर जी हैं उन्होंने रिलीज़ किया था लास्ट ईयर दिल्ली में, तो अपना एकल होगा ना वो है। और भी कुछ काम चल रहा है उनके साथ। और फिर फिल्मों में जो मेरी शुरुआत हुई, वो रेंजू फिल्म्स एक प्रोडक्शन कंपनी है जो दानिश रेंजू डायरेक्टर हैं, उनके यूएस साथ, में ही बेस्ड है। वो LA बेस्ड हैं, कश्मीर में भी हैं, तो उनके साथ हम, मेरा भी काफ़ी काम हुआ। हमारी एक शॉर्ट फिल्म जिसके साथ, जिसके ज़रिए मैं उनके साथ, हमारा परिचय हुआ, इन सर्च ऑफ अमेरिका इंशाल्लाह ऐसी फिल्म थी, वो शॉर्ट फिल्म थी जिसको कांस में, कैंस कांस मैं शॉर्ट फिल्म कॉर्नर में उसको जगह मिली थी, उसे सिलेक्ट हुई थी। तो उसमें एक नज्म थी मेरी जो सोनू निगम जी ने रिसाइट की थी, तू जर्रा है ऐसा उसका था, तो वैसे शुरुआत हुई। और फिर उसके बाद एक और शॉर्ट फिल्म की उनके साथ, फिर एक हमारी पहली हमने उनके साथ फीचर फिल्म की हाफ विडो, उसमें गीत मैंने लिखा है, कुछ बाकी है जो रिलीज़ भी हुआ है, वो सोनू निगम जी ने गाया है। और ये जो हाफ विडो है, अभी हमने यूनाइटेड नेशंस में भी दिखाई कुछ एक दो महीने पहले, और न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल, और न्यू जर्सी इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल में उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला है। अभी हम लोग सेंसर से, अभी उस पर सेंसरशिप का काम चल रहा है, तो उसके बाद होपफुली रिलीज़ हो जाएगी।